दोस्तों, चीन का चमचा बन चुका पाकिस्तान दुनिया के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। इस कर्ज के बोझ को हल्का करने के लिए वो और कर्ज ले रहा है ताकि दुनिया का कर्जा चुकाया जा सके। लोन के इस खेल में चीन उसकी मदद कर रहा है। अभी तक सऊदी अरब ही एक ऐसा देश था जो पाकिस्तान की हर वक्त मदद को तैयार रहता है, लेकिन चीन की तरह ही पाकिस्तान भी उसी को काटता है जो उसकी बुरे वक्त में मदद करता है। और यही वजह है कि जो कंगाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान आज सऊदी अरब को आंख दिखा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों में तलखी दिखाई दी है। ये तलखी इतनी बढ़ चुकी है कि 5 दिन में दूसरी बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब पर कश्मीर मुद्दे पर सहयोग और समर्थन ना देने के आरोप लगाए हैं। हालांकि उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि दोनों इस्लामी मुल्कों में दूरी बढ़ रही है। कुरैशी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि सऊदी अरब जरूरत होने पर पाकिस्तान की मदद से हाथ खींच लेता है। इस्लामिक देशों ने फेरा पाकिस्तान से मुंह। दरअसल पाकिस्तान अपनी खींच सऊदी अरब पर निकाल रहा है और उस खींच के पीछे की असली वजह है कश्मीर का मुद्दा। कुछ दिन पहले कुरैशी ने एक और इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान चाहे तो सऊदी की मदद के बिना भी कश्मीर मुद्दे पर आगे बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, कुरैशी ने ये इशारा भी कर दिया था कि पाकिस्तान दूसरे इस्लामी मुल्कों के साथ नया संगठन बना सकता है। माना जा रहा है कि कुरैशी की यही बात सऊदी अरब को बुरी लग गई। दरअसल IOC की बैठक में सऊदी अरब और UAE जैसे देशों ने कश्मीर मुद्दे पर यह कहकर भारत का समर्थन किया था कि ये भारत का अंदरूनी मामला है। यही नहीं, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। 5 स्थायी देशों में से सिर्फ चीन ने उसका साथ दिया था, जबकि बाकी इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान के इस मुद्दे से किनारा कर लिया। इसका मतलब यह है कि OIC में उसको समर्थन हासिल नहीं है। UN और OIC में सिर्फ तुर्की उसका साथ देता है। इस बार तो मलेशिया ने भी हाथ पीछे खींच लिए हैं। लिहाजा OIC जैसा मुस्लिम देशों का संगठन बनाने की बात सिर्फ कोरी धमकी समझी जा सकती है। दरअसल OIC में किसी भी कदम के लिए सऊदी अरब का साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है। OIC पर सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा है। कश्मीर पर सऊदी अरब के कदम नहीं उठाने से पाकिस्तान की कुंठा बढ़ती ही जा रही है। अपनी इस कुंठा में वो सऊदी अरब पर आरोप लगा रहा है। सऊदी ने पाक के लिए बंद की उधारी की दुकान। सऊदी ने कंगाल पाकिस्तान को तेल देना किया बंद। कश्मीर मुद्दे पर इस्लामिक देशों के संगठन OIC को अलग थलग करने की धमकी देना पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन गया है। इस एक बयान से नाराज सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लोन पर तेल के प्रोविजन को रोक लगा दी है। सऊदी अरब के इस रोक से पाकिस्तान कंगाली के सबसे बुरे दौर में पहुंच चुका है। 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 साल के लिए $6.2 अरब का फाइनेंशियल पैकेज देने का ऐलान किया था। इसमें $3 अरब की कैश सहायता शामिल थी, जबकि बाकी के पैसों के बदले में पाकिस्तान को तेल और गैस की सप्लाई की जानी थी। लेकिन पाकिस्तान की बयानबाजी ने उसका हुक्का पानी बंद करवा दिया है। आलम यह है कि पाकिस्तान के पास तेल और गैस खरीदने के पैसे नहीं हैं। अमेरिका जैसे देशों ने पहले ही पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान की मदद चीन ही कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान पहले से ही चीन के कर्ज तले हलक तक डूबा हुआ है। लोन लेकर लोन चुका रहा है कंगाल पाकिस्तान। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो समझौता किया था वो तोड़ दिया है। इस समझौते के अनुसार शुरुआत में सऊदी ने पाकिस्तान को नकदी और तेल की सुविधा केवल 1 साल के लिए दी थी, लेकिन बाद के सालों में से बढ़ाकर 3 साल के लिए कर दिया गया था। इस $3 बिलियन की नकद सहायता के लिए पाकिस्तान 3.3% की दर से ब्याज की अदायगी भी कर रहा था, लेकिन करार खत्म होने के बाद अब सऊदी पाकिस्तान से लोन की वसूली कर रहा है। कंगाली की दहलीज पर खड़ा पाकिस्तान अब सऊदी अरब के कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्ज ले रहा है। इस कर्ज की अदायगी के लिए पाकिस्तान को $1 बिलियन की राशि उसके दोस्त चीन ने दी थी। दरअसल सऊदी अरब ने यह कदम पाकिस्तान की उलझुल हरकतों से तंग आकर उठाया था। सऊदी अरब की ओर से उठाया गया यह कदम इस तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान बेहद तेजी से मुस्लिम देशों का विश्वास खोता जा रहा है। इसी वजह से सऊदी अरब ने अपने लोन की रकम की वसूली शुरू कर दी है जो उसने पाकिस्तान को दी थी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को यह रकम उस समय दी थी जब पाकिस्तान को विदेशी कर्ज भरने के लिए धन की बेहद सख्त जरूरत थी।
पाकिस्तान पर जीडीपी का 90% कर्ज। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण इस साल जून तक बढ़कर 37,500 अरब पाकिस्तानी रुपए या जीडीपी का 90% हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सिर्फ इस साल ही कर्ज चुकाने पर 2,800 अरब रुपए खर्च करेगा, जो संघीय राजस्व बोर्ड के अनुमानित कर्ज संग्रह का 72% है। 2 साल पहले जब पाकिस्तान में इमरान सत्ता में आए थे, तब सार्वजनिक ऋण 24,800 लाख करोड़ रुपए था, जो तेजी से बढ़ रहा है। क्या ईरान से दोस्ती बढ़ा रहा है पाकिस्तान? दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के सांठ गांठ किसी से छिपी नहीं है। कश्मीर के मुद्दे पर साथ ना देने से नाराज पाकिस्तान आजकल सऊदी अरब को खरी खोटी सुना रहा है। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की उधारी की दुकान बंद करते हुए तेल और गैस सप्लाई पर रोक लगा दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन के कहने पर पाकिस्तान ईरान से दोस्ती बढ़ा रहा है और इसी वजह से वो सऊदी अरब को खरी खोटी सुना रहा है। दरअसल पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा है। सऊदी अरब से उधारी पर तेल मिलना बंद होने के बाद ईरान ही बचा है जो पाकिस्तान की तेल की जरूरतों को पूरा कर सकता है। पाकिस्तान का पापा चीन वैसे भी आजकल ईरान का सबसे अच्छा दोस्त बना हुआ है। हाल ही में उसने ईरान में प्रोजेक्ट भी हासिल किए हैं। ईरान से चीन की करीबी अमेरिका की आंखों में खटक रही है। इस वजह से भी अमेरिका और चीन के बीच तलखी बढ़ती जा रही है। दरअसल चीन ने जहां दुनिया के बड़े देशों को अपना दुश्मन बना रखा है, वहीं उसके करीबी और चहेते दोस्तों में वो देश शामिल हैं जो या तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध झेल रहे हैं या उन पर अमेरिका ने किसी वजह से प्रतिबंध लगाया हुआ है या फिर आतंक फैलाने के नाम पर पूरी दुनिया में बदनाम है। प्रतिबंध की ही बात करें तो वर्तमान में चीन पर ही अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सभी देश मिलकर कोई गुट तैयार करने में लगे हैं और पाकिस्तान इन देशों का नेता बनने की फिराक में है, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि वो इस्लामिक देशों को मिलाकर एक नया संगठन बना सकता है। तो क्या पाकिस्तान अब तेल के लिए ईरान पर डोरे डाल रहा है? माना जा रहा है कि चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान सीपेक में ईरान को भी जोड़ना चाहता है। रही बात पाकिस्तान के तेल की भूख मिटाने की, तो वो चीन की मदद से ईरान से तेल खरीद सकता है। सवाल इस बात का भी है कि क्या केवल कश्मीर मुद्दे के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब जैसे अमीर देश से रिश्ते तल्ख कर सकता है।